दोस्तों ऐसा क्या हुआ जब स्वयं कालों के काल महाकाल को आना पड़ा अपने भक्त के प्राणों की रक्षा करने। एक ऐसी सच्ची घटना जिसे सुनकर आपके पैरों तले की जमीन भी खिसक जाएगी और आप भी इस सच्ची घटना को सुनकर अपनी आंखों को नम कर देंगे। जी हाँ, ये एक ऐसे सच्चे भक्त की कहानी है जिसकी पुकार सुनकर स्वयं भगवान शिव को साक्षात प्रकट होना पड़ा उसकी रक्षा करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रभु दर्शन में। दोस्तों ये कहानी तो हमको भेजी है छत्तीसगढ़ के रहने वाले संबित जी ने। संबित जी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। महादेव का नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं और तो उनके पूरे परिवार में भगवान शिव के प्रति काफी आस्था है। ये भगवान शिव की ही कृपा है जो आज तक उनके परिवार पर कोई परेशानी नहीं है, जिसके लिए वो बार बार भगवान शिव का धन्यवाद करते हैं। दोस्तों संबित जी जो कि छत्तीसगढ़ के बहुत ही छोटे गांव के रहने वाले हैं, उनका गांव जो कि काफी पिछड़ा गांव है जहां आज भी मूलभूत सुविधाओं का बहुत अभाव है। वो कहते हैं कि आज भी हमारे गांव में कोई पक्की सड़क नहीं है, जिस वजह से आज भी हमारे गांव में बस की कोई सुविधा नहीं थी। दोस्तों संबित जी बताते हैं कि वो एक कार के ड्राइवर हैं और अभी शहर में एक सेठ मालिक के पास ड्राइवरी का काम करते हैं। मालिक तो बहुत अच्छे व्यक्ति वाले हैं, उनके मालिक ने उन्हें काफी चीजों की सुविधा दे रखी है ताकि उन्हें शहर में रहने के लिए कोई भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। बहरहाल दोस्तों संबित जी बताते हैं कि ये बात तकरीबन 2009 की है जब वो अपने मालिक के साथ उनके एक रिश्तेदार के घर जा रहे थे और उसी दौरान किसी भयानक और डरावनी घटना ने उन्हें दस्तक दी, जिसे देख संबित जी नहीं बल्कि उनके मालिक की आंखें भी फटी की फटी रह गई। दरअसल दोस्तों हुआ यूं था कि उस दिन जब मैं और मेरे मालिक उनके किसी रिश्तेदार के घर शादी में शामिल होने जा रहे थे, रास्ता काफी लंबा था और एक कार में हम दोनों ही थे, इसीलिए हम हंसी मजाक मजे करते हुए अपने सफर का आनंद ले रहे थे। रास्ता भी काफी सुनसान था और अंधेरा भी हो चुका था कि तभी अचानक से हमारी गाड़ी पर बहुत ही तेज झटका लगा और गाड़ी एकदम से रुक गई, जिसके बाद गाड़ी को दोबारा स्टार्ट किया मगर गाड़ी बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रही थी। जब मैंने बाहर जाकर देखा तो गाड़ी एक बहुत ही गहरे गड्ढे में जा घुसी। मैंने बहुत कोशिश की मगर वो गाड़ी बाहर निकल नहीं रही थी। जब मैंने ये बात अपने मालिक को बताई तो वो काफी परेशान हो गए। उन्होंने अपने दोस्तों तथा रिश्तेदारों को ये बात बतानी चाहिए मगर इस सुनसान और घनघोर जगह पर नेटवर्क न होने की वजह से हम किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला पा रहे थे। दोस्तों 2 घंटे से ज्यादा समय हो गया मगर वहाँ पर कोई भी इंसान हमको नहीं दिखा जो हमारी मदद कर पाए। हम काफी परेशान हो गए क्योंकि अगर हम जल्दी से इस जगह से नहीं निकले तो हमें यहीं इसी जंगल में रात बितानी होगी जो हमारे लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं होगा। दोस्तों बहुत कोशिशों के बाद भी हम अपनी गाड़ी को उस गड्ढे से निकालने में कामयाब नहीं हो पाए। दोस्तों आज तक जब भी मुझे संकटों का सामना करना पड़ा या कोई सामने परेशानी आती है तो मैं भगवान शिव को याद करता हूँ और वो हर बार मेरी रक्षा करने जरूर आ जाते हैं। इस बार भी मैं उनको याद करने लगा। दोस्तों कुछ ही पल हुए होंगे कि तभी एक व्यक्ति जो कि एक अघोरी लग रहा था हमारी तरफ आता है और पास आकर हमसे हमारी परेशानी का वजह पूछता है। पहले तो मुझे उस व्यक्ति को देख काफी डर लगा मगर जब उस व्यक्ति ने गाड़ी के पास आकर कार को उस गड्ढे से निकालने में हमारी मदद की तो मैं उस व्यक्ति को देख काफी आश्चर्यचकित हो गया। उस व्यक्ति के इस मदद भरे स्वभाव को देख जब मैंने उसे धन्यवाद बोलना चाहा तब तक वो व्यक्ति यहाँ से काफी दूर जा चुका था। दोस्तों उस व्यक्ति की इस हरकत को देख मैं काफी हैरान हो गया, मुझे तो ये सब कुछ एक सपने जैसा लगा। दोस्तों अब आप ही बताइए कि आखिर वो व्यक्ति कौन था? क्या वो व्यक्ति स्वयं भगवान शिव थे जिन्होंने हमारी इस बड़ी मुसीबत में हमको बचाया? कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर दीजिएगा।